एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको छोटे बच्चों का कैप बनाना बताऊंगी, यानी कि टोपी बनाना बताऊंगी। तो ये फैब्रिक जो लिया, इसी फैब्रिक में बनाना है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें जो ये कैप की जो ये इसकी जो ये फैब्रिक की जो ये जो लंबाई रखनी है वो हमें 18 इंच रखनी है। तो यहाँ से देखिए, ये हमने 18 इंच पर मार्क करेंगे। ये हम छोटे बच्चों का बना रहे हैं, तो यहाँ से हमें 18 इंच पर इसकी मार्क करनी। देखिए, ये यहाँ से इसकी पूरी लेंथ जो लेंगे वो हम 18 इंच लेंगे। हमने 18 इंच पे मार्क किया। अब यहाँ से इसे कट कर देते हैं, चलते हैं इसे कट कर देते हैं। एक्स्ट्रा वाला जो भी फैब्रिक होगा इसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए, अब इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो हमने, देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी है यहाँ से, ये 9 इंच है, 9 इंच ये रहने देंगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसे यहाँ से इसे फोल्ड करनी होगी ऊपर से। ये हम 1 इंच चौड़ी इसे फोल्ड करके रेडी करते हैं। इस तरह से इसे हमें फोल्ड करके रेडी पहले कर लेना है। यहाँ से इसे स्टिच करते जाएंगे, 1 इंच चौड़ी हमें ये फोल्ड करनी है। अब हमें इधर साइड भी, ये किनारे वाले को भी अंदर की तरफ से ये 1/2 इंच इधर साइड 1/2 इंच ही फोल्ड करना है। यहाँ से हमने 1/2 इंच इधर की साइड इसे स्टिच करेंगे। और फिर हमें इधर साइड इसे स्टिच कर लिए। फिर हमें इधर साइड भी इसे भी 1/2 इंच अंदर की तरफ इसे फोल्ड करते हुए स्टिच करनी है। ये हमने दोनों साइड भी, देखिए ये हमारी ये स्टिच हो गई। अब हमें इसमें प्लेट्स डालना है, तो चलते वो डालकर यानी कि फिल जैसे बनाकर रेडी करनी है। दोनों साइड हमें बनाना है। तो देखते हैं, इस तरह से हमें इस तरह से इसके ऊपर ये फिल बनाते हुए यहाँ पे ये जो हमने स्टिच किया है यहाँ पे इसे साड़े पे ये फिल बनाते हुए ये रेडी करते जाना है। फ्रेंड्स, अंदर की तरफ 1/2 इंच ये फोल्ड करते हुए हमें ये फिल वाली ये डिजाइनिंग कैप की रखनी है। इसी तरह से फिल बनाते हुए ये साड़े को रेडी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फिल बनकर रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, ये इधर साइड भी इसे बनाकर रेडी करनी है। तो इस तरह से ये किनारे किनारे ये फोल्ड करते जाएंगे, ये फिल बनाकर रेडी करते जाएंगे। इस तरह से साड़े को हमें फिल बनाते जाना है और इसे स्टिच करते जाना है। तो फ्रेंड्स, हमने ऊपर ये फिल बनाकर इसे रेडी कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें एक पतली डोरी स्टिच करके लगानी है। तो ये हमने 2 इंच चौड़ी ये डोरी ये कट किया हुआ। अब हमें इसे क्या करना है, इसे डोरी बनाना कैसे है, तो इस तरह से ये दोनों साइड इसे फोल्ड करके स्टिच करके ये डोरी को रेडी कर लेते हैं। डोरी को स्टिच करके रेडी करते हैं, अंदर की तरफ 1/2 इंच हमें फोल्ड करते जाना है और इसे स्टिचिंग करते जाने। फ्रेंड्स, हमने ये जो डोरी रेडी किया है इसे हमें 20 सेंटर से और यहाँ वाला इसे भी 20 सेंटर कर लेंगे। ये जो हमारी कैप है इसको हमने 20 सेंटर पे एक मार्क कर लिया है। अब ये भी मार्क है। अब हमें इसके ऊपर इस तरह से ये डोरी को डालना है और इसे स्टिच करके रेडी करनी है। बिल्कुल हमें किनारे किनारे ये पट्टी को स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने इधर साइड, फिर अब इधर साइड इसे घुमाते हुए इसे स्टिच कर लेते हैं इधर साइड। फ्रेंड्स, देखिए ये हमने डोरी भी इसमें अटैच कर ली है कितनी आसानी से। अब इसे यहाँ से इसे कट कर देते हैं, यहाँ से इसे हमने कट किया। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो इधर वाला जो सेंटर होगा इसे आप क्या करेंगे, इस तरह से ये दोनों को मिलाएंगे। और मिलाने के बाद आप देखो, ये वाला जो सेंटर होगा यहाँ से आप 2 इंच आप इसे यहाँ से यहाँ तक स्टिच करके रेडी करेंगे। तो फिर दोनों साइड के पार्ट्स को मिलाते हुए हमें इसे स्टिच करना है ताकि ये हमारी अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। तो ये हमने इसे स्टिच कर लिया, इधर से एक और स्टिच कर लेते हैं ताकि ये अच्छे जो है खुले ना। तो इस तरह से हमने स्टिच किया। अब हमें इसमें एक पट्टियाँ लगानी है या इधर साइड, तो चलते हैं वो लगा कर रेडी करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमने इसमें लगाने के लिए ये पट्टियाँ रेडी किया है, ये हमने 3 इंच चौड़ी, देखिए 3 इंच ये लंबी और 3 इंच हमारी ये चौड़ी है। अब इस पट्टी को हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर डाल करके, देखिए ये जो हमारी ओपन है यहाँ पे, ये जो हमारी ओपन है इसके ऊपर डालना है और इसे चारों तरफ से इसे अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ये जो हमारी ये जो फैब्रिक है अंदर वाली, इसको अंदर करते हुए इसे स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से स्टिच करते जाना है ये पट्टी को, इस तरह से ये चारों तरफ स्टिच करके रेडी करते हैं। बिल्कुल किनारे किनारे ही स्टिच करनी है। फ्रेंड्स, ये हमने चारों तरफ इसे स्टिच करके इसे अटैच कर लिया ये पट्टी को। ये जो हमारी बीच वाली ये जो चांदनी होती है वो है। तो देखिए इस तरह से ये हमने कैप बना करके ये रेडी
कर लिए। तो बहुत ही आसान तरीका था ये कैप बनाना। देखिए कितना ये खूबसूरत भी लग रहा है बनने पे। तो फ्रेंड्स ये मैं कॉटन फैब्रिक का बनाया है, तो कभी भी आप कॉटन फैब्रिक का ये बनाएंगे तो आपकी ये जो है कैप बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। देखिए ये बनने पे कितना खूबसूरत भी ये लग रहा है इस तरह से। तो इस तरह से आप बॉर्न बेबी का भी ये कैप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की हमारी कैप की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी, देखिए कितना इस तरह से यहाँ से ये हमारी बांधने वाली है, यहाँ से ये हमारी बांध जाएगी। देखिए ये इस तरह से, और इस तरह से हमारी कैप फिल वाली ये डिजाइनिंग बनकर रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स आज की हमारी कैप की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।